नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज नॉर्मली देर आर टू एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विसेज अगर आप स्क्रीन पर देख सकें तो द फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज और सेकेंड हमारे पास है ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज अब हम इन दोनों को वन बाई वन डिस्कस करते हैं इन टू डिटेल सबसे पहले हमारे पास है एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज क्या है एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज़ वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि एक कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम अ रिटेलर अगर हम डेफिनेशन के परस्पेक्टिव में बात करें तो देखें बड़ी सिंपल उसने बात की है कस्टमर वॉन्ट टू रिसीव फ्रॉम एनी रिटेलर वो क्या वो क्या सर्विसेज हैं जो कि कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम द रिटेलर वो तमाम सर्विसेज कहलाती हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज फॉर एक्ज़ाम्पल आप किसी रिटेल स्टोर के अंदर गए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा आएगा और आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में फीडबैक देगा या आपकी क्वेरीज़ को रिप्लाई करेगा सो so एक्चुअली ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कस्टमर सर्विसेज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिटेलर तो इस तरह के सर्विस को हम कहेंगे एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज नॉर्मली ये एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज या ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज जो हैं ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री रीजन टू रीजन कि वहाँ पर कौन सी सर्विसेज जो हैं वो एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विसेज हैं और कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो ऑगमेंटेड या पोटेंशियल कस्टमर सर्विसेज हैं क्योंकि कंट्री के लाइफ साइकिल में या प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में या बिजनेस के लाइफ साइकिल के अंदर जिस तरीके से कस्टमर बिहेव करता है बिल्कुल उसी तरीके से सर्विसेज को एक्सपेक्ट कर रहा होता है बिकॉज अगर कोई कस्टमर लट से वो यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में या वो यूरोप के अंदर की मार्केट का कस्टमर बिल्कुल डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होंगी उसकी एज ऑफ कस्टमर सर्विसेज इसी की बात करते हैं अगर एज एन एग्जाम्पल तो यूरोपियन मार्केट के अंदर रिटेल स्टोर्स के अंदर कस्टमर प्रेफर करते हैं कि कोई आके उनको इंटरसेप्ट ना करे जब वो शॉपिंग कर रहे हों तो कोई ये ना पूछे सर मे आई हेल्प यू इस तरह की बात दे डोंट प्रेफर लेकिन अगर आप पाकिस्तान में लोकल सनेरियों की अगर हम बात करें इन जनरल तो लोकल सिनेरियो के अंदर कस्टमर जब भी किसी स्टोर में रिटेल स्टोर में जाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई शख्स आएगा और आके मुझसे पूछेगा कि सर मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ या या आपको क्या प्रोडक्ट दिखाऊँ या क्या सर्विसेज आप लेना चाह रहे हैं या कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज आपकी हैं तो मुझे बताएं और नॉर्मली अगर कोई हमसे कोई बात नहीं पूछता तो शायद इन जनरल हम उस बात का बुरा मनाते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सर्विस इन एनी केस हमें उस रिटेल स्टोर से मिलेगी तो इसलिए मैंने कहा कि जब हम किसी भी सर्विसेज की बात करें तो रीजन या कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है उस सर्विस को पार्क करने में कि वो पर्टिकुलर सर्विस जो है वो एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विस है या एक पर्टिकुलर कस्टमर सर्विसेज जो है वो ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज है अगर इसकी कोई और एग्जांपल अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास एक और एग्जांपल लेट्स से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्सेज़ यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब अगर किसी रिटेल स्टोर लट से हम किसी रिनाउंड इंटरनेशनल रिटेल चेन की बात करते हैं जब वो किसी यूरोपियन मार्केट में ऑपरेट करती है तो उस यूरोपियन मार्केट के अंदर कस्टमर जब चेकआउट से प्रोडक्ट्स को बाय करके लेके जाता है तो वो शॉपिंग बैग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है या शॉपिंग बैग को पे करना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे शॉपिंग बैग फ्री में मिलेंगे एक तो मिलेंगे और ऊपर से फ्री में मिलेंगे अगर यही बात हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें तो वहाँ पर आपको ऐसी कोई कस्टमर सर्विसेज नज़र ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नज़र नहीं आएगी जबकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि जो शॉपिंग बैग्स हैं वो एक तो अवेलेबल होंगे मौजूद होंगे और दूसरे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद होंगे ही डोंट हैव टू पे अबाउट द कॉस्ट ऑफ इट तो इन जनरल इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर पाकिस्तान का कस्टमर इस तरह की कस्टमर सर्विसेज को एक्सपेक्ट कर रहा है तो ये तमाम सर्विसेज मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी ये कस्टमर एक्सपेक्टेड सर्विसेज हैं या हम बात करते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो कस्टमर की हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिटेलर अब हम मूव करते हैं दूसरी टाइप ऑफ दूसरे एलिमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस के ऊपर विच इज़ ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज अच्छा जी अब ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज क्या है सो एज़ ऑफ वो ये तो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करती हैं सो ऑल दोज एक्टिविटीज़ विज एक्चुअली इनहेंस द शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर और एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें ऑगमेंटेड सर्विसेज का कि कंपेटिटिव एडवांटेज आपको क्रिएट हो सके आपका ओवर द कॉम्पिटिशन यू हैव एडवांटेज तो ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस ऐसी है जो कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज कहलाएगी हो सकता है किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर और मे बी रीजन विदिन विद इन द कंट्री ऑल्सो कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि किसी एक रीजन के अंदर ऑगमेंटेड सर्विस बने जबकि किसी दूसरे रीजन के अंदर या किसी दूसरे कंट्री के अंदर या किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर वो सर्विसेज जो है हो सकता है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेड कस्टमर सर्विस सर्विसेज बने यानी कि वो सर्विसेज कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा हो रादर के वो ऑगमेंटेड हों और एज ए कम्पेटेटिव एडवाटेज यूज़ हो रही हूँ ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं सबसे पहले अगर मैं आपसे एक क्विक जनरल डिस्कशन करूं, सो इंटरनेशनली अगर कोई रिटेलर जो है वो कैश एंड कैरी मॉडल के ऊपर काम कर रहा है तो नॉर्मली कस्टमर को पता है कस्टमर एजुकेटेड है कि इसका बिजनेस मॉडल ये है कि ये प्रोडक्ट्स को कैश के ऊपर बेचता है और यू हैव टू कैरी द प्रोडक्ट्स एट योर ओन बिकॉज द मॉडल सेस इट लाइक दिस के इट इज़ अ कैश एंड कैरी मॉडल जबकि अगर उसी तरह का किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर वो कैश एंड कैरी हो तो कस्टमर एक्चुअली वो कैश एंड कैरी कॉन्सेप्ट से ओवरऑल अवेयर नहीं है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी एक्सपेक्टेशन बड़ी सिंपल है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं किसी स्टोर में गया हूँ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं एक किसी स्टोर के अंदर जाऊंगा मुझे प्रॉपर तरीके से लोग अटेंड करेंगे जिस तरह हमने पहले बताया और इसके अलावा इन जनरल वो ये भी ऑगमेंटेड सर्विसेज काइंड ऑफ एक्सपेक्ट करता है कि मुझे उस स्टोर के ऊपर कैश एंड कैरी स्टोर के ऊपर शायद एक क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाए मुझे उस पर्टिकुलर स्टोर के ऊपर शायद डिलीवरी फैसिलिटी भी मिल जाए तो ये वो ऑगमेंटेड सर्विसेज इन जनरल उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर समझी जाएंगी कि जो कि कस्टमर एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बट कुड बी एन एडवांटेज ओवरऑल इन अ पर्टिकुलर कंट्री सो नॉर्मली एक्सपेक्टेशन के केस के अंदर कस्टमर एज ए नॉर्मल नॉम होती है वो सर्विस और ऑगमेंटेड सर्विसेज के केस के, के अंदर नॉर्मली वो नॉर्म नहीं होती है और दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ यूनिक थिंग फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट मैं क्विकली अगर आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ तो हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है विच इज़ ऑफ डिलीवरी सर्विसेज सो डिलीवरी सर्विसेज नॉर्मली इन इन द कंट्री लाइक पाकिस्तान इज़ नॉट इज़ नॉट कंसिडर टू बी अ नॉर्म जहाँ पर जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो एक एक्सपेक्टेशन है कस्टमर्स की नॉर्मली कस्टमर खुद जाता है और जाके बाय करके लेकर आता है चीज़ों को लेकिन पॉपुलर रिटेलर पर्टिकुलर रिटेलर ये डिलीवरी सर्विस ऑफर करता है तो इट इज़ कंसिडर टू बी एन ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विसेज जिस तरीके से अगर आप कोई ऑनलाइन रिटेलर दराज से कोई शॉपिंग करते हैं सो यू हैव टू पे फॉर दैट सर्विसेज फॉर डिलीवरी सर्विसेज लेकिन अगर आप जो हैं वो ये वो से लेते हैं तो दैन यू डोंट हैव टू पे फॉर द डिलीवरी सर्विस तो शायद आज के दिन में दैट इज़ अन एडवाटेज एन ऑगमेंटेड कस्टमर सर्विस एग्जाम्पल फॉर अ रिटेलर in that particular category.